दोस्तों, मैं रितु और आप देख रहे हो रितु बालकनी गार्डन। दोस्तों, आज मैं संडे का और व्यू दूंगी और मैंने कौन सी अपने गार्डन के लिए शॉपिंग करी हूँ वो भी आपको मैं बताऊंगी इस वीडियो में। तो ये देखिए, मैंने अभी देखिए यहाँ पर दो जासवन के फूल खिले हैं। देखिए, बड़े साइज का जासवन है। ये देखिए, गर्म इतना हो रहा है कि फ्लावर की जो पत्तियाँ हैं वो भी देखिए कैसे मुरझा जा रही है, इतना गर्म हो रहा है दोस्तों यहाँ पर। ये देखिए, अभी मैंने पूरे पौधों में पानी डाली हूँ और उनको नहला भी देती हूँ सुबह सुबह। ये देखिए, तो अभी ढेर इसमें कलियाँ लगी हैं। ये देखिए, ये भी ये कल खिलेगा और आज ये दो फ्लावर खिले हैं। तो ये देखिए, और ये गुलाब के भी इसमें कलियाँ आ रही हैं। देखिए, ढेर कलियाँ हैं दोस्तों। तो ये देखिए, मैं अभी आपको मैं बताती हूँ कि मैंने क्या शॉपिंग करी अपने गार्डन के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये है जो मिट्टी खोदने वाला जो रहता है। तो ये देखिए, ये ली हूँ मैंने मीशो से ली हूँ। तो ये देखिए, कल ही मुझे आया है। और ये कैंची है, तो ये मेरे को 180 रुपए में मिले हैं ये दो चीज़, और अच्छे हैं और अच्छे यानी अच्छे पीस ये भी हैं, मजबूत भी हैं। तो ये मुझे लेना था। और इसके पहले मैंने एक कैंची ली थी, पर वो मेरे से टूट गई, कैसे गिर गई थी, तो गिरी और टूट गई वो। तो ये कैंची फिर मैंने मंगाई हूँ। तो ये भी अच्छी कैंची लग रही है मुझे, और दोनों भी चीज़ अच्छे हैं। और देखिए, मैं अभी उसको काट के बताती हूँ। देखिए, बहुत अच्छी है ये भी कैंची। तो मेरे को भी चाहिए थी गार्डन में, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। मैंने किचन की जो कैंची थी उससे मैं काटती थी, तो मेरे इतने अच्छे से पौधे की कटिंग नहीं होती थी, तो इसलिए मुझे ये मंगाना पड़ा। तो ये देखिए दोस्तों, अभी अच्छे से कटिंग हो रही है इसकी। और ये मैंने अपने गार्डन में एक नई चीज़ ऐड करी हूँ, और कुछ नए पौधे भी लाई हूँ, तो उसकी आपको रिपोर्टिंग में बताऊँगी अभी आज या कल करूँगी, तो उसकी रिपोर्टिंग भी आपको बताऊँगी। ये देखिए, बहुत अच्छी कैंची है। और देखिए, यहाँ पर गुलाब में ढेर कलियाँ आई हैं, और कुछ फ्लावर गर्मी के मारे सूख भी जा रहे हैं। देखिए, तो इसकी भी मेरे को कटिंग करना था, तो मेरे पास कैंची नहीं थी, तो इतने अच्छे से कटिंग नहीं हो रही थी, तो मैंने फिर ये कैंची ऑनलाइन मंगा ली दोस्तों। तो देखिए, ये मेरी कैंची है। देखिए, और अभी ये मिट्टी विट्टी सब सूख रही है। और मुझे एक बात आप लोगों से शेयर करना था। ये देखिए, मेरे पास गोल्डन मनी प्लांट है। तो ये जैसे गिरगिट कैसा रंग बदलता है, उस टाइप का ये भी है। अभी देखिए दोस्तों, इसको कोई हरी चीज़ के हरे पौधे के साथ इसको रख दो तो उसकी पत्तियों का कलर हरा हो जाता है। तो देखिए, अभी मैंने रखी थी तो इसका कलर हरा हो गया। अब देखिए, अलग रखी हूँ तो धीरे धीरे इसका कलर पीले कलर का हो रहा है, गोल्डन कलर का हो रहा है दोस्तों। तो ये क्यों ऐसा होता है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर, क्योंकि मैं बहुत बार सोचती हूँ कि आप लोगों से पूछूं, पर मैं पूछ नहीं पाती, भूल जाती हूँ। तो ये देखिए, और एक ये मैंने नया पौधा मोगरे का है, ये अपने गार्डन में ऐड करी हूँ दोस्तों। देखिए, ये भी अच्छे से चल रहा है, इसकी रिपोर्टिंग कर दी थी। तो ये देखिए दोस्तों, और ये फोरचुलू का 9 o'clock है। ये मेरे पास गमला खाली था, तो इसमें मैंने लगा दी और कटिंग इसकी। तो ये देखिए, ये भी अच्छे से चल रही है। अब इसको 2 दिन हो गए मैंने कटिंग लगाई थी। तो ये देखिए, ये भी अच्छे से चल रहा है दोस्तों। ये देखिए, सदाबहार भी अच्छे से खिल रहा है, और ये मैक्सिकन पिटोनिया है, ये भी अच्छे से खिल रहा है दोस्तों। ये देखिए, पुदीने की हमारे इधर इतनी धूप है कि ये चलता ही नहीं है। देखिए, थोड़े कुछ कुछ पत्तियां इसकी सूख गई हैं दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए, मिर्ची का पौधा है, ये भी सदाबहार का है। ये एलोवेरा का मैंने एक पौधा लगा दी थी, तो ये भी लग गया है। और ये देखिए, ये अपराजिता की भी इस साल ये दो पौधे अभी चल रहे हैं मेरे, पता नहीं कब तक के, क्योंकि इस बार मेरे एक भी पौधे अपराजिता के नहीं रहे, थोड़े से। ये देखिए दोस्तों, ये दूसरी और एक ये है जो गुड़ाई करते हैं उसके लिए मैं मंगाई थी। तो ये भी अच्छी मजबूत है और अच्छी मोटी है, तो इसको भी मैं अभी देखिए आपको गुड़ाई करके बताती हूँ अपने पौधों में। तो ये मेरे पास नहीं थी, मैं कभी कुछ कोई चीज़ से कर लेती थी अपने पौधों की गुड़ाई, तो ये मुझे लेना था, तो मिल गया ये कॉम्बो में, तो ये ले ली फिर मैंने। ये देखिए, ये भी अच्छी है और अच्छी गुड़ाई भी हो रही है पौधों की। ये देखिए, बहुत
बहुत से पौधे हैं मेरे, ये इधर ही रहते हैं, ये देखिए। देखिए दोस्तों, इसकी ये भी अच्छी है और अच्छी मजबूत भी है, ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे, मैंने मंगाई हूँ तो यानी ये है कि अपने को जो चीज़ अपन मंगाओ तो अच्छी रहे और मजबूत रहे तो अच्छा लगता है। तो ये देखिए मैंने ये दो चीज़ मंगाई हूँ तो दोनों भी मेरी अच्छी मजबूत है, कैंची भी और ये भी देखिए। तो ये देखिए मैं इसमें पौधों में गुड़ाई कर रही हूँ तो अच्छी है, कुछ मुड़ नहीं रही और कुछ नहीं है दोस्तों। ये देखिए ये मैंने अपने गार्डन के लिए शॉपिंग करी हूँ और मैं कल अपने जो दो पौधे लेके आई थी उसकी मैं रिपोर्टिंग करूँगी तो आपको वो भी वीडियो शेयर करूँगी दोस्तों। तो ये देखिए और मेरे गार्डन में कौन कौन से फ्लावर है वो तो आपको पता ही है। और ये देखिए मोगरे का भी बहुत ढेर कलियाँ आई हैं और अभी देखिए फूल भी खिले हैं। ये बेलिया मोगरा है तो ये भी अच्छे से चल रहा है और ये देखिए दूध मोगरे में भी ढेरों कलियाँ आ रही हैं दोस्तों। और ये देखिए ये भी पौधा अच्छा, इसी के ही मैंने एक और पौधा लाया हूँ, उसका मैं नाम भूल जाती हूँ तो आप मुझे नाम बताइए कि ये पौधे का कौन सा नाम है। तो ये देखिए ये दो कलर है मेरे पास, पिंक है और एक वो है और पिंक कलर का है, देखिए वाइट कलर का है। देखिए ये भी मैंने एक लाई हूँ तो इसकी भी मैं रिपोर्टिंग करूँगी तो आपको मैं शेयर करूँगी। देखिए ये मेरी छोटी सी बालकनी है, आपको मैं संडे ओवरव्यू दे रही हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए।